हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या रतन किचन में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए पकौड़ियों की सब्जी। तो आलू को मैंने उबाल के छील लिया है, दो टमाटर लिया मैंने और ये पकौड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जब रिश्तेदार आते हैं तो पकौड़ियाँ आमतौर पर बनाना ही पड़ता है, लोग भी बनाते हैं। तो ये इसमें से कुछ बच भी जाते हैं, क्योंकि कभी तो बराबर नहीं बन सकता, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ज़्यादा पकौड़ियाँ फिर दोबारा फिर खाने का मन नहीं करता, या तो फेंकना पड़ता है या फिर। तो फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ बनाया जाए, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। पैन गरम हो चुका है, उसमें मैंने तेल डाल दिया। 2 चम्मच लगभग मैंने सरसों का तेल लिया। उबले हुए आलू को मैं 2 भागों में कट कर लूंगी इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से आलू को पकाऊंगी। अभी मैं ब्राउन होने तक पका लेना है। इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच नमक डाल दूंगी। और 1/4 चम्मच हल्दी का अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। जब तक ये आलू अच्छे तरीके से भून जाता है, तब तक मैं टमाटर की प्यूरी तैयार कर लूंगी। इसमें इसके टमाटर को पहले मैं 2 भागों में कट कर लूंगी, इससे आसानी होती है। इंच अदरक भी मैं इसमें बारीक पीस लूंगी इस तरीके से। टमाटर के साथ ही पीस लेना है अदरक को भी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है। पकौड़ियाँ ना भी बचे तो आप लोग पकौड़ियाँ बना के फिर जरूर ये रेसिपी को आप लोग बनाना चाहोगे एक बार अगर ट्राई कर लिया तो। देखिए, आलू अच्छे तरीके से हो चुका है। सारे आलू को निकालूंगी अब इस तरीके से। दो चम्मच तेल और इसमें डाल दूंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। मैं आज इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, अगर आप लोग चाहो तो इसमें प्याज डाल सकते हो तड़के के साथ ही। मैं बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ। अदरक मैंने टमाटर के साथ ही घिस लिया है, आप लोग चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के मसाले में इस्तेमाल कर सकते हो। हींग और जीरे का मैंने तड़का लगा दिया। अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर की भी। Thank you.
ऐड कर दूंगी ये सारे मसाले। एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच दूध में चिकन सूप मसाला, नमक दे देना है स्वाद अनुसार, और इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच पानी, क्योंकि मैंने पीछे मसाले का इस्तेमाल किया है, पानी से अच्छे तरीके से ये मसाले फूल जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मसाले को पकाना है। दो से तीन मिनट तक पकाऊंगी मैं इसे। मसाले तेल छोड़ने लगे मसाले, देखिए इसमें आलू डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिला देना है इसे। 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी इसमें। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना वीडियो में, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक से 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें ऐड करूंगी मैं पानी, एक गिलास मैंने पानी लिया था जिसमें इतना बच गया है। उबाल आने तक पकाऊंगी इसे। देखिए उबाल आना इसमें स्टार्ट हो चुका है। सारे पकौड़े इसमें ऐड कर दूंगी। एक से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे छोड़ दें।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए सब्जी हमारा पक्के हो गया है तैयार। अब मैं इसमें ऐड करूंगी घर की पिसी हुई गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच चीनी, चीनी ऑप्शनल है, आप लोग स्किप भी कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी ट्राई जरूर करें। थैंक यू सो मच।